हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं होता है कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं। एट दैट टाइम जो भी मेरे आसपास हो रहा होता है मैं उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर देती हूं। तो ये व्लॉग कुछ इसी टाइप का है और आज एक फ्राइडे मॉर्निंग है। सो मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो चुका है और चलिए कुकिंग कर लेते हैं। कुकिंग हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एवरीडे हमें करना ही है। समटाइम्स वी कैन ईट आउटसाइड बट नॉट एवरीडे। ओके गाइस, तो आज मैं आलू और बैंगन की मसालेदार सब्ज़ी बना रही हूँ और ये रेसिपी मेरी मॉम की रेसिपी है। वो बहुत अच्छी बनाती हैं और पूड़ी के साथ, पराठों के साथ, जो बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मैंने आइकिया का स्टेनलेस स्टील का पैन यूज़ करना स्टार्ट किया है। ऑयल गरम किया, मस्टर्ड ऑयल, हींग जीरा ऐड किया, हींग जीरा फ्राई हुआ, उसके बाद अनियन, ग्रीन चिलीज़, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अनियन फ्राई हो गई है, उसके बाद हमने आलू और बैंगन को वॉश करके इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैं ऑयल के साथ थोड़ा फ्राई करूँगी। इससे सब्ज़ियों में टेस्ट ज़्यादा आता है। और अब मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो ये सब्ज़ी ऐसी है कि बहुत मसाले भी नहीं चाहिए लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा मैंने मसालों को इस तरह से आलू और बैंगन के साथ इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा फ्राई किया है और अब मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी एज़ पर द टेस्ट और गिव इट अ गुड मिक्स गाइस। और ये नॉनस्टिक पैन नहीं है, स्टेनलेस स्टील है, तो मुझे लग रहा था कि लग ना जाए बेस पे, तो बहुत ही थोड़ा सा मैंने पानी दिया है, जस्ट लिटिल बिट। और इसके बाद मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। सब्ज़ी को बीच बीच में हम चेक भी कर लेंगे कि कहीं बेस में लग ना जाए, बट आई थिंक आइकिया का पैन अच्छा है। सब्ज़ी बस ऑलमोस्ट होने ही वाली है और मिड मील स्नैक्स में आज हम एप्पल खाने वाले हैं तो वो भी मैं साथ साथ कट कर लेती हूँ। सो सब्ज़ी यहाँ पर रेडी हो गई है और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी। इसके बाद आप थोड़ा गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हो बट मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही सब्ज़ी का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर मैं सब्ज़ी के साथ बनाऊँगी रोटियाँ। तो डो बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है, सॉल्ट और पालक। जब मैं पराठे बनाती हूँ तो उसमें थोड़े बहुत इन्ग्रीडियंट्स और ऐड होते हैं, दही वगैरह भी डालती हूँ थोड़ी, बट आज मैंने सिंपल सा ही डो बनाया है। और ये है होममेड दही जो मैंने रात को सेट की थी। तो इसमें थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा लंच गाइस। और फ्राइडे है, काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं तो मैंने सोचा है कि मैं लॉन्ड्री स्टार्ट करती हूँ। गुड थिंग इज़ कि अपार्टमेंट के अंदर ही लॉन्ड्री यूनिट है तो अब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता लॉन्ड्री के लिए। और जो भी लंच के बाद सब्ज़ी डो बच गया है उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में।
सो सिया का स्कूल से आने का टाइम हो गया है और मैं और भूमि उसके बस स्टॉप पे आए हैं। तो यहाँ पर वेट करने में भी हमें अच्छा लगता है, इधर उधर जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं उन्हें देखते रहते हैं, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। और घर आने के बाद मैंने सिया और भूमि को स्नैक्स में मिल्क विद सीरियल दिया है और थोड़ा सा बनाना कट करके दिया है। और मैं डिनर बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि फ्राइडे है, तो अभी पुष्पेंद्र बोल रहे कुछ डिफरेंट सा बना लो, तो मैंने देखा क्या डिफरेंट बना सकती हूँ। डोसा बैटर मेरे पास रखा है तो सोचा सांभर मसाला डोसा और ये बनाते हैं। सो सांभर बनाने के लिए मैंने 1 कप तुअर दाल को वॉश करके कुकर में ऐड किया है, कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं और इसमें मैं 6 कप पानी ऐड कर रही हूँ। 5 कप पानी दाल के लिए सफिशिएंट होगा बट सब्जियाँ भी हैं इसलिए 1 कप पानी एक्स्ट्रा। हल्दी ऐड की है, सॉल्ट ऐड किया है, मिक्स इट वेल और इसको मैं 4 to 5 विसल्स के लिए पका लूँगी। एंड आफ्टर दैट हम तड़का तैयार करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल गरम किया, उसमें हींग पाउडर, मेथी दाना, मस्टर्ड सीड, सूखी मिर्च और खूब सारे करी लीव्स ऐड कर दिए हैं। एंड देन इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमने अनियन ऐड कर दी है और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा एंड इसको अगेन फ्राई करेंगे। और अनियन फ्राई हो गई है, उसके बाद मैंने टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर यहाँ पर सांबर मसाला ऐड किया है, प्रिया का आई गेस सांबर मसाला है। और ये है टैमरिन कंसनट्रेट, तो ये कंसनट्रेट है इसलिए इसकी क्वांटिटी हमें कम ही डालनी है, तो मैंने थोड़ा सा आधी चम्मच ये ऐड कर दिया है। और इस मसाले को पकाने के बाद मैंने जो दाल वाला मिक्सचर है वो ऐड किया है, मिक्स इट वेल। अगर गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पतला करने के लिए पानी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से बॉईल आने तक पकाया है और वो रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने सोचा कि मसाला डोसा की स्टफिंग बनाती हूँ सिंपल डोसा की जगह, तो फर्स्ट टाइम मैं मसाला डोसा की स्टफिंग बना रही हूँ। ऑयल गरम किया, उसमें हींग एंड मस्टर्ड सीड्स ऐड किए, उसके बाद करी लीव्स और प्याज ऐड किया है और यहाँ पर हमारा सांभर जो है वो भी रेडी हो गया है, तो गैस मैंने बंद कर दी है। और उसके बाद मैंने इसमें ये पत्ता गोभी चॉप करके ऐड किया है, इसको फ्राई कर रही हूँ। एंड देन मसालों में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें ऐड की हैं मैंने। और यहाँ पर मैंने मैश्ड पोटैटोज़ ऐड किए हैं और सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और मिक्स इट वेल, उसके बाद हरा धनिया और ये देखिए हमारा जो स्टफिंग रेडी हो गया है मसाला डोसा का। इनफैक्ट इस स्टफिंग से हम कोई सैंडविच भी बना सकते हैं, ये स्टफिंग देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी टेस्टी थी। तो ये सारी तैयारी करने के बाद मैं इवनिंग वॉक के लिए जा रही हूँ। पुष्पेंद्र का ऑफिस का काम ख़त्म हो गया है, वो बच्चों को देखेंगे। एंड वॉक से वापस आई तो मैंने देखा कि पुष्पेंद्र ने डिनर के लिए डोसे बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये श्री गणेश का डोसा बैटर है, शिकागो में मैं प्रिया वाला डोसा बैटर लाती थी प्रियम का, बट यहाँ पर ये मिला है हमें और डोसे इससे भी अच्छे बन रहे हैं। तो बच्चों के लिए प्लेन डोसा, उन लोगों ने बोला कि हमें ये नहीं चाहिए स्टफिंग, और मैं और पुष्पेंद्र अपने लिए अच्छे से स्टफिंग वाला अनियन वाला डोसा जो है बना रहे हैं। तो ये हमारा फ्राइडे स्पेशल डिनर, जो भी मैंने एफर्ट्स की थी, जब अच्छा सा खाना मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी सैटरडे मॉर्निंग है और मैं यूजुअली वीकेंड्स पे थोड़ा सा लेट उठती हूँ इन कंपैरिजन टू वीकडेज, तो मैं जगी और मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। तो रात को आई थिंक बारिश हुई है काफ़ी और आज ब्रेकफास्ट बना रहे हैं पुष्पेंद्र, तो उन्होंने ऑमलेट बनाई है और वो काफ़ी अच्छा खाना बना लेते हैं, मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में भी मेंशन किया है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट गाइस। एंड आफ्टर दैट मैंने बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हुई और हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं ऐसे ही रेगुलर वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। समटाइम्स ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाना भी एक आउटिंग की तरह हो जाता है। ओके गाइस, सो ये सारी ग्रॉसरी है जो हम लोग लेकर आए हैं और लंच मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि लंच में आलू बैंगन की सब्ज़ी जो मैंने प्रीवियस डे दिखाई थी आपको वो हमने गरम कर ली थी और डो रखा हुआ था, उसकी रोटियां बना ली थी, इसलिए मैंने रिपीट नहीं दिखाया। और यहाँ पर ये सारी ग्रॉसरी जो मैं दिखा रही हूँ ये मैं लेकर आई हूँ, ये स्केचर्स के मैं शूज़ भी लेकर आई हूँ, ये कॉस्को में अभी ऑफ़र में लगे हुए हैं, एग्स वगैरह और बटर, तो ये सारी नॉर्मल जो ग्रॉसरी होती है वो।
ऑल्सो एक ये मैं स्केचर्स की स्मॉल साइज़ की गो वॉक लेगिंग लेकर आई हूँ। स्केचर्स की काफ़ी कंफर्टेबल लेगिंग्स होती हैं। और क्रीम लेकर आई हूँ, तो ये ओले की क्रीम है और ये 2 का पैक आता है कॉस्को में। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इससे पहले भी मैं ओले टोटल 7 इफेक्ट्स जो होती है वो वाली क्रीम लगाती थी, उसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये हमारी इवनिंग टी एंड देन मूविंग ऑन। मुझे आज डिनर नहीं बनाना था क्योंकि डिनर का इनविटेशन एक फ्रेंड के घर से आया हुआ था, तो उनका आज बर्थडे है तो हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए और डिनर भी उनके साथ ही होगा। तो फ्लोरिडा में जैसे मैंने बताया था हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, बस एक ही हैं हस्बैंड के कलीग, उनसे ही जान पहचान है, तो उन्हीं से दोस्ती हो गई है और उनके घर पे आए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो ये उन्होंने इतना कुछ बनाया था, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स, एंड वी रियली लाइक द फूड। सारा ही खाना और सब कुछ बहुत अच्छा था। ओके गाइस, सो ये व्लॉग मैं एंड करने वाली हूँ। अच्छा, वीडियो एंड होने से पहले फ्रेंड का बर्थडे केक कटिंग ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय एंड टेक केयर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वीटी, हैप्पी बर्थडे टू।